जिन्होंने ये अवार्ड प्रसन्न कराए, खास करके मुंबई के धरती पे, महाराष्ट्र के धरती पे, और कोरोना के बाद इतनी बड़ी भोजपुरी के लिए वार्ड फंक्शन जो हो रहा है, विजय पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी जितने लोग भी यहाँ देखने के लिए आए हैं वार्ड फंक्शन में, नॉमिनेट हुए हैं, हाँ, सारे उनका वेलकम मेरे तरफ से स्वागत है। मैं भी इसमें देखने आया, कुछ करने आया हूँ। क्या कुछ धमाल होने वाला बताया? देखिए, भोजपुरी धमाल ही है, भोजपुरी का नाम ही धमाल है। जब भोजपुरी का नाम आता है तो धमाल ही धमाल हो जाता है। आज आपका कुछ खास स्पेशल कुछ परफॉर्मेंस होने वाला है, उस बारे में बताएं। खास मेरा आज स्पेशल एक मेरा गाना है, हाय रे होटलाली पार्ट टू, उस पर कुछ परफॉर्म करूंगा मैं, बाकी आप लोग देखिएगा। पटना की पायल छपरा के घघरा, पटना की पायल छपरा के घघरा, जान मारे आरा के ओठ लाली गोरी, अकौना जिला के बनबू हर वाली गोरी। और मेरा अगले महीना में 3 तारीख से मेरा रांची में शूट है, अनाथों के नाथ भोलेनाथ, जो देवघर वाले बाबा के कहानी है। और बाकी यहाँ मैं 10 तारीख से हूँ, आया हूँ, तो मेरा एल्बम का सारा सॉन्ग चल रहा है अभी, होली का। ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है। मैं बिहार में, यूपी में ही बहुत ज़्यादा शो में बिजी हो गया, लेकिन आता जाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आप भी मुझे ढूंढिएगा तो आपके लिए मेरी एक्टिविटी तेज हो जाएगी। और वहाँ से मेरा घरेलू संबंध है, तो आप सजी से किसी से व्यक्तिगत मेरा संबंध रहेगा, उनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर जाऊँगा। समाज सेवा पूरी तरह उठी है, होना चाहिए भी, लोगों को होना चाहिए समाज सेवा। कोरोना पता बता दिया कि आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा, आपकी शक्ति धरा की धरी रह जाएगी। एक दूसरे का आप सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए, वही आपको काम आएगा। इसके बाद जो फिल्म आपकी शूट होने जा रही है, और आपके मेरे साथ तो पहले डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी हैं, जय सिंह जी हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं, और न्यू कमर हीरोइन है जो मेरे साथ सिंगिंग भी की है, बहुत सारा बेबी काजल है, वो लंचिंग है उनका। तो देखिए, बाकी भगवान की पिक्चर है क्या होता है, बाकी भोजपुरी दर्शक के ऊपर श्रोता भाई लोग। थैंक्स।